हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेपाली यूट्यूबर उर्मिला। सो साथीहरु, आज चाहिँ म हेयर ऑयलिंग को भिडियो लिएर आएकी छु। साथीहरु हेर्दिनु होला स्किप नगरिकन। दोस्तों, आज मैं हेयर ऑयलिंग का भिडियो लेके आई हूँ। सो मैं आज हेयर ऑयलिंग में देखिए क्या लगा रही हूँ, एलोवेरा जेल और ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल में एलोवेरा जेल डाल के मैं अपने बालों को मसाज करूँगी। सो आज साथीहरु, मैं एलोवेरा जेल मिसाएर हेयर ऑयलिंग गर्छु। मैले चाहिँ हमेशा हेयर ऑयलिंग गर्दाखेरि चाहिँ ओलिव ऑयल लाउने गर्छु साथीहरु। सो यहाँ म ऑयल लिदैछु, तेल लिदैछु र यसमा एलोवेरा जेल मिसाउँछु। सो देखिए दोस्तों, मैं कैसे मसाज कर रही, कैसे तेल रख रही हूँ। एक बर्तन में मैं तेल ले ली हूँ और उसमें मैं एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। ठीक है, तो मेरे कुछ लंबे बाल है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही ले रही हूँ। आप लोगों का जैसा बाल है उस अनुसार से लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बाल लंबे छोटे होने से कुछ नहीं होता, बाल हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि मेरे लंबे बाल हैं तो इसलिए मैं ऐसे मसाज करती हूँ, ऐसा बात नहीं है। जिसका जैसा बाल है वैसे मैं, आप लोग मसाज कीजिए। सो देखिए, इसको मैं ऐसे मिला रही हूँ। हेर्नु साथीहरु, म यसरी यसलाई मिलाउँदैछु र यसलाई चाहिँ मैले जरा जरामा लाउने हो, किनभने यसमा एलोभेरा छ त एलोभेरा जेललाई चाहिँ हामीले जरा जरामा लायो भने हाम्रो जरा बलियो हुन्छ। सो देखिए दोस्तों, अब इसको मैं बालों के जड़ों में लगाऊंगी, क्योंकि बाल के जड़ अगर मजबूत हो तो बाल अपने आप मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, और एलोवेरा जेल से सिल्की साइनी भी होगा और जड़ों को मजबूत भी करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसे लगा रही हूँ। र साथीहरु, धेरै जस्तो हाम्रो कपाल यो अगाडि जो अगाडि तालु को भाग छ नि, हो यहाँबाट चाहिँ एकदमै पातलो हुन्छ, झर्ने सायद यहीँबाट हुन्छ र पछाडि त त्यति झर्दैन, तर यो अगाडिको भागमा चाहिँ एकदमै पातलो हुन्छ, तालु देखिन थाल्छ है धेरै जस्तोको। सो त्यही भएर यो अगाडि नै धेरै यस्तो हामीले मसाज गर्नुपर्छ, तेल लगाउनु पर्छ यो तालुको भागमा। सो दोस्तों देखिए, ये जो आगेका हिस्सा है बालों का, ये सिर का, तो यहाँ पर ज़्यादा पतले हो जाते हैं बाल, तो इसलिए मैं इस जगह में ज़्यादा मसाज करूँगी। ऑयलिंग यहाँ हैवी ऑयलिंग ही लगाऊँगी, पीछे भले थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाऊँगी लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं हैवी ऑयलिंग लगाऊँगी। तो देखिए, मैं इस तरह से अपने उंगलियों से तेल को लगा रही हूँ जड़ों जड़ों में। लहरनु साथीहरु, म औँलाले यसरी लगाउँदैछु जरा जरामा तेल। र साथीहरु, भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जो कि मेरो भिडियोको यदि सरी मेरो च्यानलको सब्स्क्राइब नहीं किए हैं तो वो जाकर के मेरे च्यानलको सब्स्क्राइब कर दीजिए। और आप लोग का बहुत ही साथ सपोर्ट हमको मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
सो साथीहरु मैले कपालमा तेल लगाइसके, मेरो हेयर ओइलिङ भइसकेछ साथीहरु। और दोस्तों मैं अपने बालों में तेल लगा चुकी हूँ, मेरा हेयर ऑयलिंग हो गया है। अब इसको मैं 2 या 3 घंटे तक रखूँगी साथीहरु। मैं यो कपाल 2 या 3 घंटासम इसी राख्छु, अस पच्छी वॉश गर्छु शैम्पूले। और दोस्तों उसके बाद मैं शैम्पू करूँगी, ठीक है, बालों को वॉश करूँगी, और वॉश वाला वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। सो देखिए मेरा इतना बाल गिरा है, हेयर फॉल हुआ है, तो मेरो त्यति कपाल झरेको छ साथीहरु। अहिले चाहिँ एकदमै कम भएको छ कपाल झर्न, पहिला त एकदमै धेरै झरिरहेको थियो, गर्मी र बर्खाले गर्दाखेरि चाहिँ अलि धेरै नै कपाल झर्छ साथीहरु। सो दोस्तों अब हेयर वॉश का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, ठीक है, बाय बाय।